नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विद्यार्थी नए आविष्कार करें, वीएचयू में नरेंद्र मोदी ने कहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 100 साल होने पर आज दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से आह्वान किया कि आप नए नए आविष्कार करें, कट कॉपी पेस्ट से दुनिया का विकास नहीं होगा। मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में योग नई बात नहीं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जैसे ही इसको मान्यता दी आज पूरी दुनिया इसकी मुरीद हो गई है। उन्होंने कहा कि जीवन कभी मुरझाना नहीं चाहिए, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मुरझाने के बजाय मर जाना बेहतर होगा। हमें अपनी परंपरा पर गौरव करना चाहिए। सरकार जेएनयू विवाद पर चर्चा के लिए तैयार, वेंकैया नायडू ने कहा। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आगामी बजट सत्र के सुचारू रूप से चलने पर भरोसा जताया है और कहा है कि सरकार जेएनयू मामले समेत सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। नायडू ने कहा कि संसद का बजट सत्र आने वाला है, सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2 सत्रों में काम नहीं हो पाया है, विपक्षी दलों ने सदन को चलने नहीं दिया था। इंदौर में कांग्रेसियों ने संघ कार्यालय में तिरंगा फहराया। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय अर्चना पर सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेसी नेताओं एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। सुबह बड़ी संख्या में अर्चना पहुंचे कांग्रेसियों का संघ कार्यालय पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तिरंगा फहराने के बाद सभी ने साथ में चाय नाश्ता भी किया। कांग्रेस नेता यादव ने कहा कि संघ राष्ट्र प्रेम की केवल बात न करे, देश भर के सभी संघ कार्यालयों में रोज सुबह राष्ट्रध्वज फहराया जाना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के संबंध में उच्चतम न्यायालय में सोमवार को याचिका दायर की। स्वामी ने मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष यह याचिका दायर की। स्वामी ने याचिका में कहा कि सड़क निर्माण जैसे लोकहित के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए कई इस्लामी देशों में मस्जिदों को स्थानांतरित किया जाता रहा है, लेकिन मंदिरों को एक बार बन जाने के बाद नहीं हटाया जाता। स्वामी ने कहा कि अयोध्या स्थित विवादित ढांचे को सरयू नदी आसपास कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है और उस स्थल पर राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित अन्य मामलों की सुनवाई कर रही खंडपीठ ही इस मामले की भी सुनवाई करेगी। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम का क्रिकेट से संन्यास। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने सोमवार को दूसरी पारी में 25 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को शिकंजा कफने से रोक नहीं सके। क्राइस्टचर्च में आए भूकंप की 5वीं बरसी पर कीवी खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए जज्बाती मौका था। ऐसे में कप्तान मैकुलम का 101वें और आखिरी टेस्ट के साथ विदा होना उन्हें और भावविभोर कर गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।